और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे होठों के आकार के बारे में। होठों के रंग, उसकी संरचना के साथ ही होठों के आकार से भी बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। होठों के आकार से किसी व्यक्ति के गुणों और स्वभाव के बारे में जानकारी मिलती है। दरअसल दोनों होठों के सम्मिलित संरचना को मुँह कहते हैं और मुँह का आकार छोटा, बड़ा या विस्तृत होने से व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव देखने को मिलते हैं, जो फेस रीडिंग करने में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे आदर्श आकार के होठों के बारे में। जिस किसी के दोनों होठ आकार में एक समान, संतुलित और ठीक प्रकार से मिले हुए होते हैं, ऐसे होठों को आकार में आदर्श माना जाता है। ऐसे होठ वाले लोगों के गुण भी आदर्श होते हैं। दूसरों के प्रति इनका व्यवहार बड़ा ही अच्छा होता है। ये कला के प्रति रुचि रखने वाले होते हैं और विज्ञान से जुड़ी चीज़ों को बड़े ध्यान से समझते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर इनका व्यावहारिक संतुलन देखते ही बनता है। सामुद्रिक शास्त्र में इनके बारे में हम कल और भी चर्चा करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।